Okay, Nitish, which question you have asked? Question number 5. Sir, from second. Yes, sir, fifth. From second. From second. Okay, so the question number is from second. Fe2O3 plus Al, that is equal to Al2O3 plus Fe. Okay. Wait. Yes. Now, you ask this question, question number 2. Question number 2. Fe2O3 plus 2Al plus A will gives you 2 aluminium. No. So which question? No, sir. Fifth ka second pucha aapne. Sir, 15 page number. Okay. NCERT. मतलब वो ना ये, मतलब आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन पूछ रहे हो ना? यस सर. हाँ तो देखो सामने, देखो स्क्रीन पे, आओ स्क्रीन पे. ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का बी कह रहे हैं ना आप? यस सर, बी. आई हैव डाउट. फिफ्थ का बी. ओके, सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का बी है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. फॉर्मूला क्या होता है बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड का? H2S बंस विद द एयर एंड गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड. तो यस, इसमें क्या दिक्कत है भाई? आपको वाटर बनाना है एंड सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है. तो वाटर कितना निकलेगा? H2O. सल्फर डाइऑक्साइड कितनी निकलेगी? SO2. बट आपके पास देखो, अब H2O और ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पे टोटल हो चुके हैं 3. तो ऑक्सीजन को 3 करने के लिए 3 तो आप कर नहीं सकते हो, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो ऑक्सीजन में. तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हो गए? 6. तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो राइट साइड में हाइड्रोजन वाले के साथ में और सल्फर वाले के साथ में. तो 2 जब 4 प्लस 2 6 हो गए. बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है, अपने शब्दों में कहिए. बताओ बेटा. सर मैंने वो गलती से सल्फेट ले लिया था. अच्छा, आपने सल्फेट लिया था. नॉट इज क्लियर? यस सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3BaCl2 बन गया? यस सर. ओके, और कौन सा डाउट है किसी बच्चे को? बोलो बच्चों. सर क्वेश्चन नंबर टेन. व्हाई इज रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? बिकॉज इन दिस रिएक्शन ग्लूकोज ब्रेक्स इनटू द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर विच गिव्स अस अ लॉट ऑफ एनर्जी टू वर्क. यू वी नो गाइज, वी आर डूइंग रेस्पिरेशन एंड अवर सेल्स गॉट ऑक्सीजन एंड ड्यू टू दैट वो हम लोग को सेल्स क्या ऑक्सीजन लेके क्या देती है? एनर्जी लेती है ना. ग्लूकोज ब्रेक होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड में, वही कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं, बाहर छोड़ते हैं एंड वी गॉट लॉट ऑफ एनर्जी. यस और नो? यस सर. सो एनर्जी इज रिलीज्ड दैट बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन. अगर हम सांस नहीं लेंगे तो दम घुट जाएगा, एक अलग बात है, बट हमारे अंदर एनर्जी भी नहीं आएगी. क्लियर? सो रीड आउट द आंसर प्रगति. इन द कोर्स ऑफ रेस्पिरेशन The course of respiration, glucose is broken into carbon dioxide and oxygen and energy is released. That's why it is considered as an exothermic reaction. Exactly. C6H12O6, that is aqueous, plus 6O2, that is equals to 6CO2 plus 6H2O plus energy. Energy. So this is respiration. Any more question, guys? No, sir. So all done? यस सर. ठीक है, अब देखिए. हाँ ठीक है, वेरी गुड. सो आई बिलीव दैट एवरी वन हैज़ कम्प्लीटेड दिस एक्सरसाइज. मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, एक बार ये हम लोग कर लेंगे, देन इसके बाद मैं इसकी एग्जाम्पलर भी लगवाऊंगा जो कि बहुत क्रिटिकल है. थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग है, वो अपन बाद में करेंगे, बट पहले हमारे सामने सिलेबस कम्प्लीट करने का टास्क है, इसलिए हम वो करेंगे. ठीक है ना? तो अब अगली बात आती है, कल मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये बताइए वो क्वेश्चन कितने लोगों ने नहीं किए? How many of you have not completed those questions? Sir, my questions are left. Okay, your questions are left. Okay. Okay. So let's talk about these questions. थोड़ा सा एक generally बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग नया chapter start करेंगे. आज केवल इन questions के बारे में हम बात कर लेते हैं. Okay. So first question is, what are the possible existing form of a chemical quantities? Can you tell me guys how, what are the possible existing form of the chemical quantities? This was question number one. Elemental answer please. Elemental and compound. Yes, elemental form and compound form are the possible existing form. But one state is also there in the molten form, that is ionic state. And atomic state is also said to be elemental form. Okay, like helium. Okay, so the possible existing form, आप लोगों ने जो बोला वो बहुत ज़्यादा ही correct है.
बट जो वो फॉर्म्स हो सकती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, एटॉमिक, एटम, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट, कंपाउंड, आयन, इतने फॉर्म में एग्जिस्टेंस पाई जा सकती है। हाँ, अब ये बात ज़रूर है कि आयनिक स्टेट जो होती है ना वो स्टेबल नहीं है, दैट इज नॉट स्टेबल। आयनिक स्टेट जो है वो स्टेबल नहीं है, तो वो जो है थर्ड स्टेट जो है वो ये वाली करिए। सो ये स्टेट्स लिख लीजिए, एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड्स, आयन। तो आयनिक स्टेट भी है, हालांकि स्टेबल नहीं है बट पाई तो जाती है, तो उसको मानेंगे अपन लोग, है ना, होती है। यस सर। तो आयन्स एग्जिस्ट करते हैं, सो आयन इज ऑल्सो इन स्टेट। ओके, अब जिन जिन बच्चे जो लोग क्वेश्चन लिखे हो जिनके सही हो रहे हैं, गिव एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स दे दो, लास्ट में मैं कैलकुलेट करवाऊंगा कितने लोगों के कितने मार्क्स मिले। ओके, व्हाट आर एटम्स, एटम्स क्या होते हैं भाई, बोलो जल्दी से। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी टाइप ऑफ मैटर कह लो, है ना, या एलिमेंट कह लो। ओके, एटम होते हैं। ओके, सो किसी भी मैटर के सबसे जो छोटे 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 पार्टिकल होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको हम एटम बोलते हैं। पहले ये था कि इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, बट बाद में पहले जॉन डाल्टन बोल के गए थे कि वी कैन नॉट डिवाइड देम, बट बाद में रदरफोर्ड साहब आए और उन्होंने इसको फोड़ दिया, डिवाइड कर दिया। ए सब्सटेंस मे एग्जिस्ट इन वॉट टाइप ऑफ केमिकल स्टेट, एक सब्सटेंस किस किस टाइप की केमिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, बताइए। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखो भाई, गलती कर दी, केमिकल स्टेट मैंने बोला है, आप लोगों ने फिजिकल स्टेट बता दी, आप लोगों से हाँ केमिकल स्टेट पूछी गई यहाँ पे। अ सब्सटेंस में एग्जिस्ट, कोई भी दुनिया का सब्सटेंस है वो दो ही स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, आइदर कंपाउंड स्टेट होगी या एलिमेंटल स्टेट होगी, ठीक है ना। आप लोगों ने फिजिकल स्टेट बताई है, जो मुझे दिखावे वाली स्टेट, फिजिकल स्टेट। सो द सब्सटेंस मे बी एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, आइदर एलिमेंटल स्टेट और कंपाउंड स्टेट। वट इज स्पेशल इन द एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंटल स्टेट ओनली कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एंड कंपाउंड कंसिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, कंपाउंड में अलग अलग टाइप के एटम होते हैं। ओके, एंड एलिमेंट, देखिए मैं आपको बताया था कल मैंने, ऑक्सीजन एक कंपाउंड है, कंपाउंड होने के लिए केमिकली रिएक्ट होना बच्चों बहुत जरूरी है, तो बट आयरन एक एलिमेंट है, आयरन का कितना भी बड़ा बार ले लो वो एलिमेंट है, बट आप ऑक्सीजन का एक भी मॉलिक्यूल लोगे वो एलिमेंट नहीं है, वो एलिमेंट तो मतलब उसको कंपाउंड ही बोलेंगे, उसको एलिमेंट नहीं बोल सकते। ऑक्सीजन एलिमेंट मतलब सिंगल ओ, बट ओ टू बोलोगे तो ओ टू इज अ कंपाउंड, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन से बाई केमिकल बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड बना के रिएक्ट होता है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस, सो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट सम सब्सटेंसेस दोज एग्जिस्टिंग इन एलिमेंटल स्टेट, बोलो भाई कुछ सब्सटेंस जो एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सर, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता भाई। हाइड्रोजन सर, बोरॉन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यार, अच्छा मेरे को एक्चुअली यहाँ पे ये सारे के सारे जितने भी ना बेटा एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट करने वाली जो गैसेस हैं वो है हीलियम है, नियॉन है, ओके, और हाँ ये कंपाउंड स्टेट में है, आर्गन है, बट ये कंपाउंड स्टेट में, बट ये प्योर है। हाँ, बट जब मैंने आपको बताया था तब मैंने आपको यही बताया था, तो एलिमेंटल स्टेट में बच्चों आयरन, एल्यूमिनियम, सल्फर, कॉपर, ये एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। आ गया समझ में? यस सर। हाँ, ब्रोमीन गैस Br2 फॉर्म में आती है, ब्रोमीन गैस, बट कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, अकेला Br एग्जिस्ट नहीं करता, बट आयरन अकेला एग्जिस्ट करता है, एल्यूमिनियम अकेला एग्जिस्ट करता है। जब भी आप एल्यूमिनियम को देखोगे ना केमिस्ट्री में, वो Al ही मिलेगा, वो कभी Al2 नहीं मिलेगा। सल्फर अकेला मिलेगा, वो हमेशा S ही मिलेगा। कॉपर अकेला मिलेगा, कभी Cu ही मिलेगा, वो कभी आपको Cu2 नहीं मिलेगा कि जोड़े बना के रहें। बट ब्रोमीन आपको कभी अकेले नहीं मिलेगी, ब्रोमीन हमेशा Br2 फॉर्म में मिलेगी। क्लोरीन आपको कभी अकेले नहीं मिलेगी, क्लोरीन हमेशा Cl2 फॉर्म में। मतलब ये है कि ये एलिमेंट हैं मगर किस फॉर्म में रहते हैं, ये कंपाउंड फॉर्म में, इनके एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं बट ये कंपाउंड फॉर्म में रहते हैं। बोलो, समझ में आ गया? सर, ये कैसे क्लासिफाई करेंगे कि एलिमेंट फॉर्म में फाउंड होंगे या कंपाउंड फॉर्म में? देखो ये तो जानकारी से होता है, जैसे कि ये मतलब नॉलेज वाली बात है, केवल इसको रटना है एक तरीके से, है ना? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे बट ये कंपाउंड फॉर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे यदि मैं बोलूँगा एलिमेंटल फॉर्म, जो मेरा क्वेश्चन है उस मेरे क्वेश्चन को सपोर्ट करेगा कौन सा, यहाँ पे आयरन, आंसर आयरन, एल्यूमिनियम, सल्फर एंड कॉपर, ठीक है ना।
हाँ सो व्हाट अबाउट द बोरॉन? बोरॉन, हाँ बोरॉन भी सपोर्ट करेगा, बोरॉन अकेले बैठता है, ठीक है। नोबल गैसेस, हाँ नोबल गैसेस पूरी सोडियम करेगा, ऑक्सीजन, हाँ सोडियम भी करेगा भाई, सोडियम अकेला रहता है, आप देख लो कहीं पे भी सोडियम, टू एन ए, सर फ्लोरीन, हाँ गोल्ड, क्लोरीन, क्लोरीन नहीं करेगा, क्लोरीन देखो सर क्लोरीन प्योर है भाई, क्लोरीन प्योर है, मगर बताओ सीएल फॉर्म में मिलता है कि सीएल टू फॉर्म में मिलता है? सीएल2, सीएल टू। सीएल टू कौन सी स्टेट है, कंपाउंड स्टेट है कि एलिमेंटल स्टेट है? कंपाउंड, कंपाउंड है, हाँ, मतलब है मॉलिकुलर स्टेट, बट यार केमिकली रिएक्ट होता है ना, तो केमिकली रिएक्ट होने का पंगा आ गया ना, बॉन्ड बनता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती, पार्टनरशिप होती है, बताया था ना। यस सर, सो ड्यू टू यस सर, ड्यू टू दैट फैक्ट इट इज व्हाट कंपाउंड स्टेट। डन, गॉट द पॉइंट? ओके, यस सर, राइट, फ्यू एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल बता दो भाई, जल्दी जल्दी सब लोग बोल दो अपने अपने सिंबल। हाइड्रोजन एच, हीलियम एच, बेरियम बी है सर, गोल्ड ए यू। हाँ ठीक है, तो खूब सारे एलिमेंट लिख लेना, उसके सारे सिंबल लिख लेना, ठीक ना, जिससे आपको याद हो जाए। अब देख लो यहाँ पे मैंने बताया है एल्यूमिनियम वन एटम की फॉर्म में रहता है, बोरॉन ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है सिंगल एटम है, क्लोरीन, क्लोरीन जो है बट ये डबल फॉर्म में, गैसेस की फॉर्म में पाए जाते हैं, एटम भले वन लिखा है, एटम तो सबके ही वन है यहाँ पे एलिमेंट फॉर्म में, है ना। ऑक्सीजन ओ टू की फॉर्म में मिलता है, नाइट्रोजन एन टू की फॉर्म में मिलता है, ओके यस। राइट द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, बोलो भाई डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। The element is made up of such substance that cannot made up of different types broken down chemically. Okay, element में element contain only one type of atoms. Element only one type of atoms are there. In compound there are different type of atoms. ए अब एक मिनट यार, अब आप बोलोगे सर कि जो आप जो कह रहे हो कि ऐसे तो ऑक्सीजन एलिमेंट होगा और बाकी सारे कंपाउंड होंगे, क्योंकि यहाँ जो मैंने डेफिनेशन लिखाई है वो ऑक्सीजन कंटेन एलिमेंट जो है ओनली वन टाइप ऑफ एटम कंटेन कर रहा है और कंपाउंड तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, तो इस तरीके से सर ऑक्सीजन तो एलिमेंट होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे अपने दिमाग को ऐसा समझाओ कि मैंने जो डेफिनेशन बोली है वो इसलिए बोली है कि उसमें एक्चुअली केमिकली रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो कुछ बनता है उस फॉर्म में मैंने कंपाउंड बोली है, बट यदि यहाँ पर अगर आप डिफिनीशन पे जाएं और अगर आप डिफरेंस की बात करें तो एलिमेंट क्या होते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ओके, एंड कंपाउंड आर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, बोलो क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। हाँ तो मतलब जो अभी हम लोग कह रहे थे ना कि फ्लोरीन क्लोरीन, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे उसको कहते समय कहें कि भाई जो क्लोरीन है वो एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये बात बिल्कुल सही कि क्लोरीन जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मगर उसकी जो एलिमेंटल फॉर्म है वो एक कंपाउंड मॉलिक्यूल है, मतलब वो एक कंपाउंड मॉलिक्यूल है, प्योर कंपाउंड है जिसमें केवल एक ही टाइप का एलिमेंट कंबाइन होता है, केमिकली कंबाइन होते हैं क्लोरीन में नाइट्रोजन में, ओके। जैसे आपने कभी सुना होगा ऑक्सीजन कंपाउंड है ना, ऐसे ही बोलते हैं, ऑक्सीजन एलिमेंट कम जगह पे इस्तेमाल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन एलिमेंट का मतलब हो जाता है सिंगल, हो एलिमेंट का मतलब हो जाता है सिंगल, जो आपकी पीरियोडिक टेबल में लिखा रहता है, और कंपाउंड मतलब आफ्टर द रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट, नेम फ्यू सब्सटेंसेस एग्जिस्टिंग इन कंपाउंड स्टेट। सब वाटर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यस, एग्जांपल वाटर हो गया भाई, सुगर हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सो दीज आर द सम एग्जांपल्स एग्जिस्टिंग इन कंपाउंड। यार म्यूजिक बज रहा कहीं यार, हाँ अभी बंद हो गया, फिर बज रहा, बज रहा ना बच्चों? नो सर, नो सर। चलो ठीक है, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा, ठीक है। सो कंपाउंड स्टेट की बात की जाए, सो वाटर H2O, NaCl एंड कैल्शियम कार्बोनेट, सो ये अपने पास में वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट और यस, तो वाटर, वाटर कैल्शियम कार्बोनेट और NaCl जो टेबल सॉल्ट कॉमन सॉल्ट के कंपाउंड फॉर्म में आते हैं। कुछ और एग्जांपल यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, KCl पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड Na2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑक्सीजन देख लो भाई,
अब ऑक्सीजन को यहां पर मैंने सब्सटेंस में कहा है, बट कंपाउंड स्टेट में देख लो, ऑक्सीजन जो है कंपाउंड तो है मगर एलिमेंटल कंपाउंड है, क्योंकि प्योर इसमें एलिमेंट ही एलिमेंट है। नाइट्रोजन कंपाउंड है मगर एलिमेंटल फॉर्म का कंपाउंड है। सल्फर डाइऑक्साइड एलिमेंटल फॉर्म का कंपाउंड नहीं है, ये SO2 है। NaOH जो है बच्चों वो डिफरेंट टाइप के सोडियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिले हुए। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड ये जो है कंपाउंड नहीं है, सॉरी कंपाउंड है, ठीक है ना, Fe2O3 जिसमें तीन एटम है। चलिए डिफाइन आयंस, बताओ भाई आयंस आयंस क्या होते हैं, कौन डिफाइन करेगा? आयंस आर द चार्ज स्पीशीज, चार्ज आयंस आर द एटम लॉस और जान टाइप ऑफ आयंस एंड एनायन। एग्जैक्टली, सो आयंस आर द चार्ज स्पीशीज, दो तरीके के आयंस होते हैं, कैटायन और एनायन। अब याद रखना एनायंस आर द चार्ज स्पीशीज व्हिच आर मेड अप ऑफ बाय द इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस। मतलब जब आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर को बैलेंस नहीं करोगे, डिसबैलेंस कर दोगे, उसमें कुछ लफड़ा कर दोगे, झोल कर दोगे, तब आयंस बनेंगे। ओके, सो इस तरीके से आयंस बनते हैं। देख लो सबसे पहले बात, ऊपर देखो न्यूट्रल है, एक्स में पांच इलेक्ट्रॉन पांच प्रोटॉन, मतलब ये पक्का ब्रोमी, ये बोरॉन है, बोरॉन में होते पांच, ठीक ना। और इधर भी देखो सात, मतलब ये नाइट्रोजन है, सात प्रोटॉन सात न्यूट्रॉन, अगले में दस प्रोटॉन दस न्यूट्रॉन है। बट यदि आप एक को एक इलेक्ट्रॉन खिला दोगे और एक से एक इलेक्ट्रॉन ले लोगे, तो देखो एक को एक इलेक्ट्रॉन खिला दिया तो एक में छः इलेक्ट्रॉन हो गए, और दूसरे में खिलाया तो दो इलेक्ट्रॉन सेवन इलेक्ट्रॉन हो गए, और फिर एक बार ले लिया तो चार इलेक्ट्रॉन हो गए, और दूसरे में चार इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरीके से ये जो बन जाएंगे, जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड एनायन, और जिसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो केटायन। सो आयंस आर ऑफ टू टाइप्स। सो ओके, सो बच्चों कॉपी में लिख लो, आयंस आर चार्ज स्पीसीज। डन सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकृति पढ़िए। राइट द इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम। बताओ भाई इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम, बताओ, बोलो बच्चों। हाँ भाई आर्यन, बोलो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम। नहीं बना, नहीं बना, ओके चलो पढ़ो स्वास्ती। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स slash number of protons in atom of different elements is also different. Net charge on an atom is equals to zero. Atom is neutral. If electrons are added or removed from atom, a net charge comes on the atom. Now this atom is called an ion. Ion can be positively charged or negative. So these are the properties of atom, electronic properties of atom. समझ में आया सभी को? सही या सोनू? यस सर। ओके, यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वैलेंसी। एक्चुअली वैलेंसी लिखने के पहले मैं पूछना चाहूंगा, व्हाट इज वैलेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी, बताओ वैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम्स, नो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनी एटम कैन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड बाय एन एटम। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड, ओके, टू बी एक्सेप्टेड और टू बी यू कैन से डोनेटेड, ओके, टू बी एक्सेप्टेड और डोनेटेड बाय एन एटम टू वैलेंस इटसेल्फ और टू मेक इट इनर्ट या टू मेक इट नोबल गैस, ओके, या टू गेट इट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाने चाहिए और लिए जाने चाहिए, इसकी संख्या को हम बोलते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी डोनेटेड और एक्सेप्टेड इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी ऑफ द एटम। क्लियर? सोडियम कैल्शियम, तो थोड़ी सी मैंने वैलेंसी बनवा दी थी, है ना। फिर इसके बाद मैंने वैलेंसी चार्ट यही वाला दिया था, तो आप लोगों ने ये वैलेंसी चार्ट भी कम्प्लीट कर लिया है। देन इसके बाद है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स में फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड मैंने आपको बनाने सिखा दिए थे, किस क्रिस क्रॉस रूल से फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड आपको आ गया था बनाना, बोलो क्लियर है ना? यस सर। इस क्रिस क्रॉस रूल से आपको फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बनाना आ गया था, ये सारे मैंने करा दिए थे, एक बार इनको भी फिर देख लीजिए, मैं भेज देता हूँ आपको ये नोट्स।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन फिजिकल चेंजेस विद एग्जांपल। फिजिकल चेंज को एग्जांपल के साथ बताइए। बताओ भाई फिजिकल चेंज क्या होता है, कौन बताएगा? नीतेश बताएगा। नीतेश नीतेश बताओ भाई सर। हाँ नीतेश, फिजिकल चेंज क्या होते हैं सर? चेंज इन देयर शेप्स। नो नो नो, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मड इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ठीक है समृद्धि, ये आपको कॉपी में लिखना है पूरा क्वेश्चन सभी अभी। सर द चेंजेस इन विच, हाँ और कौन सा भी लिखना है? द चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मड इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ऐसे चेंजेस जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल ये देख लीजिए, पानी का ग्लास है, ग्लास टूट गया तो वही रहेगा। शुगर है ना, पानी है, शुगर और वाटर को मिला दिया, शुगर और वाटर को मिलाने से शरबत बन गया। बताओ क्या है, फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? हाँ शरबत का बनना केमिकल चेंज। नो वे बेटा, केमिकल चेंज, कोई रिएक्शन नहीं हुई है शुगर की वाटर के साथ बेटा जी। क्या होता है, नाइन्थ क्लास में पढ़े होगे ना शुगर वाटर में क्या होता है। जैसे ये मान लो ये पानी की दो मॉलिक्यूल्स हैं। वाइट कलर की पेन हाजिर हो। ये देखिए क्या है, शुगर के मॉलिक्यूल्स लिक्विड होते हैं, लिक्विड में आपको पता है गैप हुआ करता है, तो जा करके इसमें शुगर का मॉलिक्यूल बीच में बैठ जाता है। ये कोई रिएक्ट थोड़ा ना करते, इनके बीच में कोई बॉन्डिंग थोड़ा ना बनती बेटा। तो शक्कर से पानी का मिलकर के शरबत बनना, स्वीट बनना, ये कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ प्रियांश। यस सर। यस, तो इसमें क्या हो रहा है, केवल और केवल मॉलिक्यूल जा करके बैठ गया भाई उसके बीच में जगह में, कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ है। क्लियर प्रगति? प्रियांशी क्लियर? चलो अगला, डिफाइन केमिकल चेंज विद एग्जांपल। बताओ भाई केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, जल्दी बताओ। द चेंजेस चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। एग्जैक्टली, अ चेंज इन विच एंटायरली न्यू सब्सटेंसेस फॉर्मड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ऐसा चेंज जिसमें बिल्कुल नया, बिल्कुल पुराने से नया चेंज सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। केमिकल, ओके सो डिफाइन केमिकल चेंज ही हो गया, बिल्कुल नया सब्सटेंस मिलता है। ओके यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनेगा, डिफाइन केमिकल रिएक्शंस आर प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस। ये इसको यदि यहाँ पे मैं ये भी कर दूँ कि डिफाइन केमिकल रिएक्शन तो भी चल जाएगा। चलो चलिए अगला क्वेश्चन, डिफाइन केमिकल चेंजेस विद एग्जांपल। केमिकल चेंज विद एग्जांपल। एक मिनट बच्चों, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई मुझसे। अच्छा मैं बैक स्लाइड पे आ गया, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द रिएक्शन इन्वॉल्वड इन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बताओ Mg+O2 gives MgO। चलो इसमें से कुछ रिएक्शन क्वेश्चन में पूछूं, ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बिल्कुल सही, कॉम्बिनेशन, ठीक है ना? कॉम्बिनेशन, बिल्कुल सही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये। और कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है कि नहीं है? सो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन है, बिल्कुल है, बिल्कुल बर्निंग है। तो इस रिएक्शन को करते समय वो बहुत प्रोटेक्शन बरतना है या बिल्कुल कैजुअल करनी है रिएक्शन? प्रोटेक्शन बरतना है, बिल्कुल ठीक है ना। डेजलिंग वाइट जो फ्लेम इसमें से निकलती है उसका कलर क्या होता है? डेजलिंग वाइट फ्लेम, बिल्कुल सही। ओके चलो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए, डिफाइन प्रेसिपिटेट। बताइए भाई प्रेसिपिटेट क्या होता है? The insoluble salt that comes after the reaction. Which comes deposit at the bottom of vessel. अच्छा बोलो, deposited at the bottom of the vessel after the reaction. Okay, that insoluble salt is called precipitate. Example of precipitate. Lead iodide, barium sulfate, barium sulfate, barium sulfate, potassium nitrate नहीं होता बेटा, barium sulfate. Okay. सो व्हाट इज प्रेसिपिटेट, लिखा हुआ है प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड सब्सटेंस व्हिच सेपरेट आउट ऑफ सॉल्यूशन ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। ओके राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन विद एग्जांपल। चलो भाई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डिफाइन करो और एग्जांपल दो। रिएक्शन इन व्हिच प्रेसिपिटेट इज फॉर्मड इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जांपल लेड आयोडाइड पहले ही बना दिया, बहुत बढ़िया, पहले ही लेड आयोडाइड बना दिया, पहले ही प्रेसिपिटेट बना दिया, पानी घोलेंगे क्या? सॉरी सर।
उल्टा रिएक्शन बोलते हाँ सही बोलो। पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट। हाँ पोटेशियम आयोडाइड और लड़ करके उसके साथ लेड नाइट्रेट बनाता है, और क्या बनता है, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। क्लियर है? नाइट्रेट। हाँ याद रखिएगा। यस सर। चलो भाई बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन नीतेश बताएगा। डिफाइन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल ऑफ सच एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैलिडेटिंग पॉप साउंड टेस्ट। एनसीईआरटी पढ़िए तो बिल्कुल सही जवाब दोगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताओ, व्हाट इज एक्सोथर्मिक, पहली चीज एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती, बोलो। सर रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड एनर्जी। बिल्कुल सही, हीट इज प्रोड्यूस्ड है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाँ अब एक रिएक्शन बताओ जो पॉप साउंड टेस्ट को वैलिडेट करती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ये तो एलिमेंट है भाई, मैग्नीशियम तो रिएक्शन थोड़ी ना होती है। सर आई डोंट नो द एग्जांपल। यू डोंट नो द एग्जांपल भाई, मैंने कई। यस बोलो स्वस्ति। H2SO4 plus H2। अरे कभी कुछ नहीं होगा इसमें, H2O, ये भी गलत है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं देगा इसमें, पॉप साउंड टेस्ट नहीं मिलेगा बेटा। पॉप साउंड टेस्ट कौन सी गैस देती है, हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस कौन सी रिएक्शन में निकलती है, याद कीजिए मैंने लिखाई है, जिंक सल्फेट के ग्रेनुअल को डाला जाता है, जिंक के ग्रेनुअल को जब आप हाइड्रोजन सल्फेट में डालते हो तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और अगर हाइड्रोजन गैस को आप अगर आप माचिस की तिल्ली दिखाओ तो की आवाज आएगी, टुप की आवाज आती है, समझ गए? यस सर। हाँ दैट इज कॉल्ड पॉप साउंड टेस्ट, करके फूटती है, समझ गए ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस बेटा फिर से। Mg या हाँ हाँ द सेम विल बी हेयर देयर, द सेम रिएक्शन विल बी देयर, Mg प्लस H2SO4 विल गिव यू द मैग्नीशियम प्लस MgSO4। एग्जैक्टली हाइड्रोजन प्लस MgSO4, हाइड्रोजन भाग जाएगा क्योंकि कान का मंगल है ना ऊपर है, मंगल, Mg फॉर मंगल। याद आया नहीं आया? यस सर। ओके कोई मुझे बताए कि ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4 में क्या होगा, पोटेशियम पर मैग्नेट के ऑक्सीडेशन में क्या होगा, बताओ मुझे। मतलब एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो आएगी ऑक्सीडेशन में, बट क्या होगा? चेंज इन कलर। हाँ कैसा कलर? सर फ्रॉम पर्पल टू इट विल बी कलरलेस। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड है ना। ये थोड़ा सा अच्छा लगा मेरे को सुन करके कि आपने थोड़ा सा अलग से स्टडी करी, दिस इज कॉल्ड गाइज आउट ऑफ द बॉक्स। और जब तक आप आउट ऑफ द बॉक्स पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना तो आप पढ़ने वाले बच्चे तो बन जाओगे बट आप सफल नहीं हो पाओगे। अभी की दुनिया इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है कि केवल पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है, अब दुनिया ऐसी हो चुकी है कि दूसरा कोई हारेगा तो आप जीतोगे, जस्ट लाइक ओलंपिक। हमारे एथलीट अच्छा तो खेल रहे हैं मगर टॉप नहीं कर पा रहे हैं ना, लाइक गोल्ड मेडल नहीं उठा पा रहे हैं, बिकॉज दुनिया जो है केवल अच्छा खेलने की नहीं है, अब तो आप 10 को हराओ तब आप आगे जा पाओगे। सो लाइक दैट, सो KMnO4 को अगर आप यहाँ पे अगर आप कोई भी एसिड के साथ मिलाते हो, लाइक लेमन जूस कंटेन करता है साइट्रिक एसिड को, अगर आप उसके साथ मिलाते हो तो बेटा ये आपको क्या करेगा, इसका कलर फेड हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा। ओके चलिए, सो दिस इज़ वन ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन जवाब देगा, प्रियांशी आर यू देयर इन द क्लास? प्रियांशी, ओके प्रियांशी नहीं है। हाँ बेटा बड़ी लेट रिप्लाई आया, मेरी आवाज आ रही है? सर एक्चुअली माय माइक इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। चलो ठीक है ठीक है। आर्यन मेरी आवाज आ रही तुम्हें? यस सर। राइट कॉमन ऑब्जर्वेशंस टू आइडेंटिफाई अ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन, बताओ भाई। चेंज इन कलर। बोलो। चेंज इन टेम्परेचर। और बोलिए। नो 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 नो, और बोले, दिमाग लगाओ भाई आर्यन, इतना इजी क्वेश्चन। सर मैं, हाँ बोलो, चलो अनूप बोलो। सर
सर एवोल्यूशन ऑफ गैसेस चेंज इन स्टेट चेंज इन स्टेट चेंज इन स्टेट यार चेंज इन स्टेट तो मैं केमिकल रिएक्शन को नहीं मानूंगा भाई भाई क्योंकि पानी को पिघला दिया तो चेंज इन स्टेट तो हो गई बट कैसी केमिकल रिएक्शन नो 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 ये नहीं है चेंज इन ऑर्डर एग्जैक्टली चेंज इन ऑर्डर बिल्कुल सही ऑर्डर बदल जाती है दैट इज एन केमिकल रिएक्शन चेंज इन कलर इज एन केमिकल रिएक्शन एनी मोर चेंज इन कलर चेंज इन ऑर्डर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन ओके फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन चेंज इन टेम्परेचर एंड एवोल्यूशन ऑफ गैस ओके देयर इज गिवन चेंज इन स्टेट बेटा चेंज इन स्टेट मैं इससे ज्यादा एग्री नहीं करता हूँ क्योंकि चेंज इन स्टेट तो बहुत सारी मतलब कि एग्जैक्टली यदि आप बात करें फ्रीजिंग की या वेपराइजेशन तो भाई चेंज इन स्टेट तो मतलब उतना ज्यादा रिलायबल नहीं है समझ रहे हो ना चेंज इन स्टेट इतना ज्यादा नॉट रिलायबल ये भरोसेमंद नहीं है ओके नॉट रिलायबल तो एग्जाम में नहीं लिखना है वाला हाँ ये मत लिखो क्योंकि चेंज इन स्टेट एग्जाम्पल के लिए आपने घर में वो आता है ना वनस्पति डालडा घी अब घी जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है उसको हल्का सा गर्म करते हो तो पिघल जाता है या आइस ले लो गर्म करते हो पिघल जाता है तो क्या केमिकल रिएक्शन हो गई नो दैट्स नॉट अ केमिकल रिएक्शन ओके गाइस अंडरस्टूड सो दिस इज पार्ट वन एक्सरसाइज इज कम्प्लीटेड ये बच्चों आपका एग्जाम टाइम की एक्सरसाइज है एक्चुअली एग्जाम टाइम में जब आप लोग को मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर रैंडम रहेंगे और आप ही लोगों से मैं आपसे ही पूछता जाऊंगा कि क्या है और इसके आंसर्स मैं बना के आपको देता रहूंगा तो अब जो है आपके देखिए ग्रुप में मैंने आपको भेजा है क्वेश्चंस इसके आंसर्स मेरे को जल्दी से आपके पास कितने मिनट्स हैं यू हैव ऑलमोस्ट 34 मिनट्स तो इसके आंसर्स मेरे को जल्दी से बना करके कंप्लीट करके चैप्टर ख़त्म करो एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी स्टार्टिंग अवर चैप्टर न्यू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि छोटा चैप्टर है देन उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे चलो तो जल्दी से फिनिश करो सारे क्वेश्चन एंड आंसर जिन लोगों ने नहीं करे जल्दी फिनिश करो स्टार्ट करो